कि हम जख्मों से मुस्तकबिल की तस्वीरें बनाते हैं, कि हम जख्मों से मुस्तकबिल की तस्वीरें बनाते हैं। और शेर लिखे था, हमारे सर फिरे जज्बात कैदी बन नहीं सकते, हमारे सर फिरे जज्बात कैदी बन नहीं सकते, हवाओं के लिए क्यों आप जंजीरें बनाते हैं, हवाओं के लिए क्यों आप जंजीरें बनाते हैं। और यकीन है मुझको बाजी जीतने का फतह मेरी है, यकीन है मुझको बाजी जीतने का फतह मेरी है, मैं गुलदस्ते बनाता हूँ वो शमशीरें बनाते हैं, मैं गुलदस्ते बनाता हूँ वो शमशीरें बनाते हैं। और हजारों लोग खाली पेट हैं शहर में फिर भी, हजारों लोग खाली पेट हैं शहर में फिर भी, यहाँ खादी पहनकर लोग जागीरें बनाते हैं, यहाँ खादी पहनकर लोग जागीरें बनाते हैं, यहाँ खादी पहनकर लोग जागीरें बनाते हैं। एक मतलब दो शेर मतलब सुनाएगा, सितमगरों का है फरमान घर भी जाएगा, सितमगरों का है फरमान घर भी जाएगा, अगर मैं झूठ न बोला तो सर भी जाएगा, अगर मैं झूठ न बोला तो सर भी जाएगा। बनाइए ना, देखिए दाद बड़ी मुखालफत हुई ताज महल की, मगर जब दरबार में पहुंचे शहंशाह के, तो शहंशाह शहंशाह ही होता है, तो सीएम सीएम होता है, वहां भी जाकर झाड़ू देके आते हैं। अगर आप इतने मुखालिफ थे तो कम से कम ये काम नहीं करना चाहिए। दिल से तो वो मानते हैं, जबान से वो नहीं मानते, इंशाल्लाह ताला जबान से नहीं मान लेंगे। आप सिर्फ सब्र करें, मैं तो इस तमाम मुशायरों में जाकर सिर्फ एक ही बात करता हूँ, सब्र करते रहिए। सारे मसले लग जहाज खत्म हो चुका, गाय का मसला आया था मुझसे एक अखबार वाले ने पूछा कि आज बकरीद के दिन आपने क्या दुआ मांगी, मैंने कहा गाय की सलामती की दुआ मांगी, अगर गाय सलामत रहेगी तो ये मुल्क सलामत रहेगा, गाय सलामत रहेगी तो हमारी यकजहती राष्ट्रीय एकता सलामत रहेगी, गाय सलामत रहेगी तो मुसलमान और हिंदू सलामत रहेगी। तो मैं आपसे ही मशवरा करता हूँ, देता हूँ कि जब कभी कोई गाय दिखे तो आप उसके सलामती की दुआ मांगिए, उससे कोई हमारी नफरत नहीं है, हम भी उसका एहतराम करते हैं। खाने वाले तो साउथ में बदनाम हमें किया जा रहा है। तो एक मतलब ये शेर पढ़ना उस माटी में जा, सितमगरों का है फरमान घर भी जाए, सितमगरों का है फरमान घर भी जाएगा, अगर मैं झूठ न बोला तो सर भी जाएगा, अगर मैं झूठ न बोला तो सर भी जाएगा। बनाइए ना किसी के लिए भी ताज महल, बनाइए न किसी के लिए भी ताज महल, हुनर दिखाया तो दस्ते हुनर भी जाएगा, हुनर दिखाया तो दस्ते हुनर भी जाएगा। ये माए चलती है बच्चों के ये माए चलती है बच्चों के पांव से जैसे,
उधर ही जाएंगी, बच्चा जिधर भी जाएगा उधर ही जाएंगी, बच्चा जिधर भी जाएगा। आजाद एक मतला दो शेर और मैं आपकी खिदमत पेश करता हूँ। बड़ी आवाजें उठती हैं और खास तौर से बिहार से भी दो तीन लोग बहुत ज्यादा बोल रहे हैं और न जाने क्यों बोलते हैं, मैं समझ में नहीं आता कि उनको खुद ही नहीं मालूम कुछ क्या बोल रहे हैं, उनको कुछ पता नहीं रहता, वो बोलने की बीमारी रहती है लोगों को और उसका तो इलाज डॉक्टर के पास होने की। तो सुबह घर में ही बोलते रहते हैं वो, शंकर भाई ज्यादा जानते हैं। तो ये मतलब समाप्त लाएगा, हमारी जेब से जब भी कलम निकलता है, हमारी जेब से जब भी कलम निकलता है, सियाह शब के यजीदों का दम निकलता है, सियाह शब के यजीदों का दम निकलता है। वतन पे मिटने का जब भी सवाल आता है, वतन पे मिटने का जब भी सवाल आता है, तो सबसे पहले हमारा कदम निकलता है, हमारा कदम निकलता है। तुम्हारे बाद का कद भी तुम्हारे जैसा है, तुम्हारे बाद का कद भी तुम्हारे जैसा है, कभी जो नाप के देखो तो कम निकलता है, कभी जो नाप के देखो तो कम निकलता है। ये इत्तेफाक मंजर के कोई साजिश है, ये इत्तेफाक है मंजर की कोई साजिश है, ये इत्तेफाक मंजर के कोई साजिश है, हमेशा क्यों मेरे घर से ही बम निकलता है, हमेशा क्यों मेरे घर से ही बम निकलता है। अदा देखिए होता कब है जो निकाला जाता है, निकाला ही जाता है, होता तो नहीं, मैं तो आज तक नहीं देखा कि कभी हमारे यहाँ बकरे काटने की छुरियाँ आम हैं, वो भी रखते हैं, वो भी एक दिन काम आती है बकरी की, और हम तो बहुत ही इंसानों से प्यार करने वाली कौम है, मजहब हमारा सिखाता है हम ये काम कर ही नहीं सकते, दहशत गर्द भी बनाए हुए होते हैं सरकारी होते हैं और बम भी बनाए हुए होते हैं जो हमारे घरों से निकलते हैं। मैं तो इस बात पर नहीं करता, कोई दहशत गर्द इतने लोगों में अगर कोई हो तो हाथ बता दे, कोई दहशत गर्द हो कोई भी नहीं। मोदी जी सारे सवाल अपने सवाल पे, महंगाई घटी नहीं घटी, भला हुआ नहीं हुआ, मगर ये पूछते ही हैं कितने दहशत गर्द बैठे हुए, हाथ उठा पता चलेगा एक भी नहीं, न जाने कहाँ से आते हैं, हम लोगों को तो बदनाम किया जा रहा है और यही नहीं पूरे मुल्क पूरी दुनिया में ये सिलसिला चल रहा है, मगर आप सब्र करें, तीन ढाई साल दो साल और बचे हैं, सब्र का फल बड़ा मीठा होता है। अब मैं आपकी खिदमत में दो तीन शेर पेश कर रहा हूँ। झूठ वो बोले तो सच्चाई नजर आती है, झूठ वो बोले तो सच्चाई नजर आती है, उस
उसके जुल्मों में मसीहाई नजर आती है, उसके जुल्मों में मसीहाई नजर आती है। इतनी खूबी से गले काट रहा है कोई, इतनी खूबी से गले काट रहा है कोई, देखने वालों को चतुराई नजर आती है, देखने वालों को चतुराई नजर आती है। तुम कनारे पे हो क्या जानो समंदर क्या है, तुम कनारे पे हो क्या जानो समंदर क्या है, डूबने वाले को गहराई गहराई नजर आती है। जब से गूंजे यहाँ अच्छे दिनों के नगमे, जब से गूंजे यहाँ अच्छे दिनों के नगमे, हर तरफ शहर में महंगाई नजर शहर में महंगाई नजर आती है। आजाद मुझे दो शेर के लिए हुक्म है, एक गजल के एक शेर के और एक गजल के एक शेर के, एक मतला एक शेर, एक मतला एक शेर, तो उसके बाद में एक छोटी सी गजल आपके सामने पेश करूंगा। ये मैं पेश करूंगा, ये बतौर खास अभी मैं जी नासा के प्रोग्राम में था पिछले महीने सितंबर में, तो वहाँ मैंने ये शेर पढ़ा था। आप समझते हैं कि दुनिया के सारे साइंसदान वहाँ मौजूद हैं, बड़े बड़े लोग मौजूद हैं तलाओं में, हर तीसरे महीने आठवें महीने उनका एक मिसाइल रॉकेट जा रहा है। मैंने ये शेर पढ़ा था और ये कह के पढ़ा था कि सारी दुनिया चाहे कहीं भी चली जाए, जहाँ हम पहुँचे हैं जिस जगह हमने छुआ है, ये दुनिया कयामत तक उस जगह को नहीं छू सकती। अगर मेरा ये शेर आपको पसंद आए तो नासा ने शेर पढ़ा था, चैलेंज देखे थे वहाँ के सब डायरेक्टर, सारे इंजीनियर, सारे साइंसदान मौजूद थे, समाप्त नहीं किया। थी वो रफ्तार के लम्हों में खला तक पहुंचे, थी वो रफ्तार के लम्हों में खला तक पहुंचे, तुम गए चांद तलक हम तो खुदा तक पहुंचे, गए चांद तलक हम तो खुदा तक पहुंचे। हुस्न दुनिया की हर एक शहर में बहुत है लेकिन, हुस्न दुनिया की हर एक शहर में बहुत है लेकिन, कोई ऐसा नहीं जो उनकी अदा तक और एक शेर और समाप्त होगा। लाल फरमाए ये मतलब बतौर खास समाप्त फरमाए, उसके बाद एक शेर जिसके लिए मैं आपको जहमत दे रहा हूँ समाप्त होगा। जिसमें यासीन को साए से अलग रखा है,
जिसमें यासीन को साए से लग रहता है, जिसमें यासीन को साए से लग रहता है, नूर को उसने अंधेरे से अलग रखा है, नूर को उसने अंधेरे से अलग रखा है, एक नुक्ता भी गवारा नहीं अपनी तरह, एक नुक्ता नाम महबूब को नुक्ते से अलग रखा है, को नुक्ते से अलग रखा है। और ये शेर जिसके लिए मैंने आपको जहमत दी, फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है, फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा, इसलिए काबा मदीने से अलग रखा है, काबा मदीने से अलग रखा है, इसलिए मदीने से अलग रखा। अजा बहुत शुक्रिया। फासला इश्क शिद्दत को बढ़ा देता है, इसलिए काबा मदीने से अलग रखा है। और दाते एक मतलब भाई की बहुत करम आपकी दुआएं। जब हमने शायरी शुरू करी थी, मुशायरे में आना शुरू किया था, तो हमारी सरपरस्ती करने वालों में बहुत से नाम थे, उसमें एक नाम हमारे बीच मौजूद है अभी वाशमी साहब। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनको सलामत रखे, इसी तरह वो उर्दू अदब की खिदमत करते रहें और हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में करते रहें अपनी शायरी के हवाले से। तो ऐसे अब बुजुर्ग मेरे ख्याल से धीरे धीरे उर्दू अदब से हमें नज़र कम आ रहे हैं, मगर हम सब मिल के इनके लिए दुआ करें, अल्लाह इनको सैकड़ों सालों सलामत रखें। तो एक मतला अगला तो दो शेर के बाद फसल के लिए हुक्म है, तो एक छोटा सा गीत पेश करके मैं जाना चाहूँगा, क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा हो रहा है और आप लोग भी सात आठ बजे से आए हुए समाप्त नहीं होना। देखिए ये एक दो तीन शेर में पेश कर रहा हूँ, समाप्त नहीं। कोई भी जिक्र मुकम्मल नहीं खुदा के बगैर, कोई भी जिक्र मुकम्मल नहीं खुदा के बगैर, ये कायनात अधूरी है मुस्तफा के बगैर, ये कायनात अधूरी है मुस्तफा के बगैर, बुलंदियां ने छूकर सलाम करती जो मंजिलों पे पहुंचते हैं नक्श पा के बगैर, जो मंजिलों पे पहुंचते हैं नक्श पा के बगैर। और शेर देखिए, ये शेर आपके नजर है ना सुनेगा, मैं उसके हाथ की
आजाद ये एक मतलब और शेर वज़ीर आज़म मोदी साहब ने बहुत